कोप भवन में कैकेयी बैठी थी। जाकर के कोप भवन में कैकेयी विराजमान भई, महाराज दशरथ आए। वैसे बात बोलू साधुओं, कैकेयी बराबर तीनों माताओं में कोई भी मां राम जी से प्रेम नहीं करती थी। कैकेयी का प्रेम रामायण का अद्भुत प्रेम है। अब आज समय नहीं है, वरना कैकेयी चरित्र पर हम आपको वर्णन करते हैं। हमने एक सूत्र निकाल के दिया है कुछ गुरु प्रेरणा से, कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। मां कैकेयी निंदा की पात्र नहीं है, मां कैकेयी वंदना की पात्र है। बचपन काल में जब राम जी खेल रहे थे, तो एक दिन राम जी ने कैकेयी मां की आंखों में हाथ रख दिए, पीछे से छिपकर आकर। मां पहचान तो गई, पूछा कौन? राम जी ने आवाज बदल करके कहा कि मुझे पहचानो तो मैं जानू। मैया हार गई तो राम जी बोले, मां तू हार गई, मां तू हार गई। कैकेयी मां से बोले, तुम हार गई, हम मैया जीत गए, मुझे कुछ दो। मांगो बेटा, क्या चाहते? राम जी बोले, मां हम जो मांगने वाले हैं शायद वो तुम देने के लिए मना कर दो। कैकेयी कहती है कि मेरे प्राण भी बेटा तुम मांग लो तो। राम भगवान, हे राम, मैं तुमसे इतना प्रेम करती कि मैं अपने प्राण एक क्षण में दे दूंगी। नहीं 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 मां, मैं कुछ और मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ मांगो राम, राघव, हे रघुनाथ, हे रघुवीर, मांगो, क्या चाहते हैं? राम कहते हैं, मां, भगवान राम कहते हैं, मां मैं जो मांग रहा हूं सावधानी पूर्वक सुनना, शायद जो आप आज मुझे वचन दोगी उस वचन के देने के कारण तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़े। कैकेयी कहती है, राम एक जन्म तो एक जन्म, तुम अगर प्रसन्न है तो मैं हर जन्म में अपयश भोगने को तैयार हूं। इतना प्रेम करती मां कैकेयी। मां कैकेयी कहती, तुम हर जन्म में भी मुझे अपयश मिले मुझे कोई। राघव जी कहते, मां सुनो तो, मैं जो मांगने जा रहा हूं ना मां, उसको देने के बाद कोई भी पिता अथवा मां अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगा आज के बाद, नाम छीन लूंगा मैं। कैकेयी कहती, तुम नाम कहता तो मेरे प्राण भी छीन ले तब भी मैं देने को तैयार हूं। राघव मांग तो। राघव कहते, मां सुनो ना मां, मैं फिर कहता हूं, मैं जो मांगने जा रहा हूं ना उसको देने के बाद शायद तुम्हें अपने सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। पता है कैकेयी क्या कहती? राम मैं विधवापन जी लूंगी पर तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। यह है राम से प्रेम कैकेयी का, राघव से प्रेम यह है मां कैकेयी का। मैं निवेदन करूं, कैकेयी जैसी ना मां हुई है ना हो सकती। ऐसा कौन मां करेगी संसार की? ऐसी कौन मां होगी विश्व की? ऐसी कौन सी मां होगी जो हो? जगत की ऐसी कौन सी मां होगी जो अपने सुहाग को उजाड़ने की बात बोले? साधुओं, कैकेयी निंदनीय नहीं है, कैकेयी वंदनीय है। कैकेयी का पात्र कैसा पात्र है? कैकेयी पर बोलूं तो एक राम कथा पूरी करूं तब भी कम है। हमारे दादा गुरु एक बहुत पुरानी कथा सुनाते थे, तीनों माओं में सबसे ज्यादा हमारे राघव से कोई प्रेम करता था तो कैकेयी। बचपन में सुमित्रा, मैया कौशल्या और मैया कैकेयी, राम जी अगर किसी के साथ सोते थे तो तुम्हें सुनकर के आश्चर्य लगेगा, मां जिनकी, जिस मां की छाया में राम जी सोते थे, जिस मां के आंचल को ढककर के राम सोते थे, वो मां कौशल्या नहीं, वो मां कैकेयी थी। कैकेयी मां की गोद में राम सोते। एक बार की चर्चा, दादा गुरु बोलते थे बहुत ऊंची बात, एक बार मां कौशल्या ने कैकेयी से कहा, हमारे राघव तुम्हारे पास तो रोज सोते हैं, कभी हमें अपने पास अपने राघव को निहारने के लिए दो ना, कभी हम अपने राघव को निहारें।
अपने रघुनाथ को निहारे, सोते हुए हम अपने राघव को देखना चाहते हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ हाँ, राम जी को माँ कौशल्या अपने भवन में लाएंगे। राघव जी को बढ़िया बढ़िया प्रसाद पवाया, लोरियां सुनाई। राघव जी की अवस्था रही होगी 6 से 7 वर्ष। माँ कहती है राघव सो जाओ, बहुत निशा हो गई, बहुत रात्रि हो गई, अब तुम सो। हाँ माँ ठीक। राघव जी बिस्तर पर तो लेट जाते हैं, पर रात्रि के 2 पहर हो गए, राघव जी सोए नहीं। माँ कौशल्या तो इस ताक में थी कि कब राम जी सोएं और कब हम अपने लाला का, अपने रघुनाथ का, अपने रघुवीर का, अपने राघव का, अपने राम का वो सोता हुआ सुंदर सा वो नीलाम्बुज स्वरूप देखें, वो मुख देखें, वो आंख बंद किए हो, मुख की क्या आभा है, क्या चमक है, क्या तेज होगा, मेरा लाला कैसा लगता होगा, क्या मधुरता होगी, क्या लावण्यता होगी, कोई क्या दिव्यता होगी। उस भाव में माँ कौशल्या खोई 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 खोई, कब 2 पहर रात्रि के बीत गए पता ही नहीं लगा। लिखा कि राघव जी तो सो ही नहीं रहे, बेटा नींद नहीं आ रही, पता है राम जी ने क्या कहा? माँ सच कहूं? हाँ सच बोलो ना। माँ मुझे नींद तो जब मेरी मैया कैकई मेरे ऊपर हाथ फेरती है तभी आती। कौशल्या की आंखों में आंसू भरा है, मन ही मन कहने लगी राघव कैकई बहुत भाग्यशाली है, हम तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे रूप को, उस दिव्यता को नहीं देख पा रहे। कैकई बहुत भाग, और पता है हमने सुना कैकई ने हाथ पकड़ा राम जी का। चलो कौशल्या माने, माँ कौशल्या ने हाथ पकड़ा, चलो तुम्हें जाकर के तुम्हारी माँ कैकई के पास भेजता। लेकिन दरवाजा खोलते ही कौशल्या सकत रह जाती, दरवाजे के पीछे जो खंभ था खंभे से लिपटी लिपटी देखा तो कोई स्त्री रो रही, जब नजदीक जाकर के देखा कि कौन है, चौंक गई कौशल्या, वो कोई और नहीं कैकई माँ थी। हाथ पकड़ा कैकई का, अरे तू रो क्यों रही, क्या बात है, कुछ हुआ क्या, कोई दिखाई पड़ा, कोई भय लगा या कोई पीड़ा हुई? कैकई कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, राम के बिना ना रात कटती है ना दिन कटता। कौशल्या फूट पड़ी। कौशल्या माँ कहती है तू बड़ी भागिनी, बड़ी सौभाग्यनी है, इतना प्रेम तो मैं भी अपने लाला को ना दे पाई, ले सुलाओ हमारे राघव को। और पता है जब राम जी को वनवास मिला 14 वर्ष का, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो राम जी जब माँ कौशल्या के पास गए तो बोले माँ पिता ने आज्ञा दी मुझे बन जाना चाहिए। बताए माँ क्या कहती कौशल्या? नहीं जाना, हमारा भी अधिकार है तुम पर, हम आपके पिताजी को बात करेंगे। पर जब राघव जी ने बताया कि माँ नहीं, माँ ने भी कह दिया कौन माँ कैकई माने, तो कौशल्या चुप हो गई कि अब मेरा अधिकार नहीं है रोकने का, राम तुम जा सकते, राम तुम जा सकते। कैकई निंदनीय नहीं है, राम की हमारे राजा राम की, हमारे राघव जी की जब प्रातः बचपन काल में कैकई माँ से वार्ता होती है, माँ हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूर्ण करना है, किस लिए आए तुम? निशाचरों का विनाश करने के लिए, क्या मदद करूँ? माँ जब भी हमारे पिता से मांगने का समय आवे तो वो 2 वरदानों में से एक वरदान तो भरत को टीका मांगना, दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्ष वनवास मांगना। कैकई कहती है राम राघव बन जाने में मांगने में हमें कोई दिक्कत नहीं, पर लोग क्या कहेंगे? और पता है एक जगह तो हमने पढ़ा बहुत ऊंची बात बोली, राघव
मैं 14 वर्ष का वनवास तो तुम्हारे लिए मांग लूं। भरत अपने तिलक की बात सुनकर के शायद ना नाराज हो, पर जब भी वो तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास सुनेगा, मेरा भरत उसी दिन से मुझे मां कहना छोड़ देगा। बताओ मैं क्या करूं। राम कहते हैं मां एक बार तो मेरे लिए करो। और सच है रामायण में दोबारा भरत जी ने अपनी कैकेयी मां को मां नहीं कहा, कहीं पर भी मां नहीं कहा। कैकेयी जैसा त्याग, कैकेयी जैसा समर्पण, कैकेयी जैसी निष्ठा, मां कैकेयी जैसी निष्ठा, मां कैकेयी जैसा प्रेम शायद आज की किसी मां के अंदर हो। राम कहते हैं, राघव कहते हैं, मैया जो अगर तुम 14 वर्ष वनवास मुझे मांगोगी तो शायद तुम्हें अपने सुहाग से हाथ धोना पड़े। क्या मांगोगी? कैकेयी कहती है, राघव मैं विधवापन में जी लूंगी पर तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, मुझे विधवापन में कोई दिक्कत नहीं है। राम लेकिन तुम नाराज रहो, तुम दुखी रहो, मैं जी नहीं पाऊंगी।